So guys, नेपाल से हमारी पुरानी मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं। आराम से आराम से। Look at that boy! फिलहाल अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से सीधे नीचे ना खाई है। एको ने इतने मुश्किल रास्तों में ना सब कुछ संभाल लिया। एंड मेरा प्लान एक एडवेंचर खरीदने का भी हो रहा है, BMW 1250 या फिर टाइगर। अगर आप यहाँ से नीचे गए ना तो कोई मतलब ही नहीं है बचने का। प्लीज होल्ड ऑन बेबी, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन बेबी, थोड़ा सा संभाल लेना बेबी, प्लीज 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 प्लीज। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। एंड आज की सुबह हो रही है गाइस सिप्लो से, मैं जैसे अभी सो करके उठा हूं। एंड मैं आपको यहां का नजारा चेक करा देता हूं। सामने वाले पहाड़ पे चेक करें, पूरी बर्फ पड़ी हुई है। इस वाले पहाड़ पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ है, लेकिन रात को जो टेम्परेचर था ना वो -1 -2 जा रहा था। मैं रात के अराउंड 1-1.5 बजे उठा था, एंड देन आई चेक द टेम्परेचर, तो बहुत ज्यादा ठंडा था। फिलहाल अभी बज रहे सुबह के 10, एंड मैं आपको एक फर्जी इंसान से मिलाता हूं जो रोज सुबह बोलता है कि 10 बजे चलेंगे 10 बजे चलेंगे, एंड अभी तक सो रहा होता है। नहीं जाओगे क्या देर से? कितने बज रहे? 10। खुद सो के गाइस, खुद सोता रहता है और फिर बोलते नहीं जाओगे नहीं जाओगे। आज तुम फास्ट उठ गए तो भाई मैंने डेटा कॉपी कर दिया, सब कुछ कॉपी कर दिया। सुबह के 10 बज रहे, हाँ जी प्रोमो भी भेज दिया नया। तो यार मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग सिप्लो कल रात ऑलमोस्ट 10 बजे पहुंचते हैं। एंड यहाँ के जो ओनर है विकी भैया, ये सच्चा गुड गाय, इन्होंने हमें 1000 रुपए में खाना भी खिलाया, 2 रूम्स भी दिए, 2 बंदों का खाना भी खिलाया, एंड बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प भी करा। वो ना मुझे एक डॉग का पपी भी दे रहे थे, बट मैं बाइक में कैसे लेकर के जाऊंगा, एंड इतनी ठंड में बेचारा मर जाएगा। देहरादून अगर मैं लेके जाऊंगा, मेरा मन तो है, बट मेरे घर वाले तीसरा कुत्ता लाने देंगे नहीं देंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज हम लोग विंटर स्पीति फाइनली पहुंच जाएंगे। एंड सुबह की धूप इतनी अच्छी सी लग रही है ना, बिकॉज रात को टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो चला गया था। एंड आप देख सकते हैं मेरे ना ओट फटने भी शुरू हो चुके हैं, तो आज हम लोग वैसलीन लेंगे। गाइस वो रहे हमारे विकी भैया जो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने विक्की भाई को बोला अभी चाय और नाश्ते का इंतजाम करा दो, बिकॉज भूख लग रही है। रात को मैं ज्यादा खाना नहीं खा पाया था बिकॉज मैं बहुत टायर्ड था। सो यार लेट मी जस्ट टेल यू, आज की जो राइड होने वाली है, आज हम लोग फाइनली काजा तक पहुंचने वाले हैं। एंड कल हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमें हाईवे पे बर्फ नहीं मिली, बट आज हमें फॉर श्योर हाईवे पे बर्फ मिलने वाली है। एंड कल जो टेम्परेचर गया था मैक्सिमम वो -1 -2 गया था, बट आज जो टेम्परेचर जाने वाला है वो -17 से -30 तक जाने वाला है। दिल थाम के बैठिएगा जनाब, आज बाबू भैया एकदम ठिठुरने वाले हैं। फिलहाल भी मैंने लगा रखा है गाइस डेटा कॉपी पे, बिकॉज गोप्रो का डेटा ना बहुत टाइम लेता है कॉपी होने के लिए। एट द सेम टाइम गाइस इस वाले हाथ पे ना बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया है, मे बी शायद ठंड से हो रहा होगा या फिर 10 आवर चला करके हो रहा होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बाइक के हैंडल पकड़ने में। बट यार बस आज की राइड है, आज की राइड निपटा ली। तो विंटर स्पीति में बाबू भैया अपनी ZXNR और BMW लेकर के फाइनली स्पीति वैली पहुंच ही जाएंगे। सो यार मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब आप पहाड़ों में आते हैं ना तो सारे पैसे होते हैं गाइस ये वाले व्यू के, और इस व्यू के साथ अगर आपके पास चाय है ना तो जिंदगी में आपको क्या ही चाहिए। चेक दिस आउट, बस यही जीना था जिंदगी में यार। एंड उसके साथ अगर मैगी और टोस्ट मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है जिंदगी में। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बैठ करके गाइस चाय और नाश्ता कर रहे हैं, बट आज ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट सीन यू विल गेट। मैं जब लेह लद्दाख गया था ना तो बहुत सुंदर जगह थी, बट जब आप शिमला वाले रोड से काज आएंगे ना, एंड जब आप स्पिलो रुकेंगे तो फिर यहाँ पर चाय के साथ ये वाले नजारे देखना मत भूलना। फिलहाल अभी चाय की चुस्की लेते हैं और नाश्ता करते हैं। यार बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी जस्ट टेल यू, दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय हायरेक्ट। एंड नॉर्मली जॉब ढूंढने के लिए या तो हमें किसी मिडिलमैन के पास जाना पड़ता है या फिर किसी कंसल्टेंट के पास, एंड फिर तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है एंड स्कैम का डर होता है, टाइम वेस्टेज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। पर अब हायरेक्ट पे आप जॉब ढूंढ के मिडिलमैन और कंसल्टेंट को डायरेक्ट बाईपास कर सकते हो। एंड यार ये मस्त लॉजिक है ना, जिसको हायर करना है जिसे हायर होना है वो दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ऐसे में क्लैरिटी हो जाती है कि काम क्या होगा एंड कैसे होगा। एंड क्लैरिटी भी तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बीच में कोई कंसल्टेंट हो तो ये होना इम्पॉसिबल है। एंड हायरेक्ट पे आप स्टार्टअप फाउंडर्स एंड सीईओ से डायरेक्टली बात कर सकते हो, एंड यहाँ पर आपको अपना राइट मैच जरूर मिलेगा। एंड हायरेक्ट के ऐप पर ना आपको किसी भी कंसल्टेंट या मिडलमैन का कोई झमेला नहीं होगा। तो फिर अगर आप भी अपनी राइट जॉब ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चल जाना, मैंने हायरेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया होगा, फटाफट जाकर के हायरेक्ट डाउनलोड करो एंड बीच के ये कंसल्टेंट और मिडलमैन को बाईपास करो। यार फाइनली हम लोग हो चुके रेडी, एंड हियर इज विक्की भैया। विक्की भैया ने हमारा बहुत सही से ध्यान रखा, बहुत मजा आया विक्की भैया आपके साथ। एंड जब हम लोग वापस आते टाइम आएंगे तो हम यहीं रुकेंगे, डन, आप यही रहोगे ना तब तक। और अगले साल तक भैया ना स्पीति में भी अपने होम स्टे खोलने वाले, अगले साल पूरा महीना स्पीति रुकेंगे हम लोग। सो यार अभी हम लोग विक्की भाई के होम स्टे से चेकआउट कर रहे हैं, एंड आते टाइम में हम लोग यहीं रुकेंगे। फिलहाल अभी आज का जो सफर होने वाला है वो अप्रॉक्सिमेटली 170 किलोमीटर का होने वाला है, बट विक्की भाई बता रहे थे पूरा हाईवे ना विक्की भाई, बिल्कुल हाईवे। लाइक कितना घंटे? 4 घंटे मैक्सिमम, 4.5 घंटे मैक्सिमम, और 10 आवर में इट्स गोना टेक लाइक 3 आवर्स। एंड गाइस भैया के होम स्टे में ना रेस्टोरेंट भी है, एंड इनका खाना एक्चुअली में बहुत अच्छा था। मैं तो सोच रहा था यहाँ खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आप अगर आएंगे तो यू कैन कम हियर, मस्त खाना मिलता है इधर। फिलहाल वी आर जस्ट चेकिंग आउट एंड गाड़ी पे सामान बांधते हैं। सो यार अपडेट ये है कि बाइक पे सामान बन चुके हैं,
एंड अब हम लोग बाइक को थोड़ा सा धो रहे हैं बिकॉज आगे से ना बहुत गंदी हो रही है। एंड विकी भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी यार, बहुत से भी बहुत। फिलहाल विकास तो आगे चला गया, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे बाइक धोने के लिए क्योंकि आज फोटोज रील्स बनानी है। इट शुड लुक गुड। इसे धोते हैं एंड निकलते हैं आज की राइड पर। तो यार फाइनली हम लोग इको को धो रहे हैं बिकॉज इस पे ना बहुत मिट्टी लग रही थी एंड पीछे वाली नंबर प्लेट अब दिख रही है इसकी बिकॉज बहुत कीचड़ कीचड़ और स्लश था रास्ते में। फिलहाल अब जा करके पूरी नहीं हो चुकी है। पानी बहुत ठंडा है और बहुत ठंडा, हाथ जम रहे पता आपको। दिखाओ मैं बना देता हूँ आपकी, बैठो मैं बना देता हूँ उस गाड़ी के वो बोल गए। तो यार विक्की भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी है, मैं इनका जितना थैंक यू बोलूं उतना नहीं बोल सकता। इन्होंने हमारी गाड़ी भी धोने में हेल्प करी है। एक बार होम स्टे का नाम बता दो, क्या है होम स्टे का नाम? द कुबेर होटल एंड रेस्टोरेंट है गाइस। ये रहा इनका रेस्टोरेंट एंड ऊपर इनके रूम से, तो चेक कर लेना इनको, मिलते हैं विक्की भाई आते हुए। तो यार वी आर लीविंग, बट मेरा ना जो एक ग्लव था वो खो गया है, आई गेस रास्ते में कहीं गिर गया वो। यार शिट, गिरना तो नहीं चाहिए था उसे, पता ऊपर ना टेम्परेचर माइनस के भी नीचे वाला है एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मैं कैसे चलाने वाला हूँ बाइक। तो यार हम लोग निकल चुके हैं एंड आज का सफर बिल्कुल काजा तक होने वाला है। इट्स ऑलरेडी लाइक 119 फॉर नाउ एंड यार रोडें थोड़ी सी खराब है इनिशियली, विकी भाई ने बताया हम लोगों को। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम, यार ही वाज सच अ नाइस गाय। उन्होंने ना हमसे होटल के भी फिलहाल पैसे भी नहीं लिए, उन्होंने कहा वापस एट द टाइम आओगे तो देते जाना। एंड यार हिमाचल के लोग आर क्वाइट गुड। फिलहाल रोडों की हालत खतरनाक हो रही है बॉयज। एंड मैं आपको चीज बताता हूं यार, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं पता है आपको। एंड मैं आपको सही बताता हूं, उत्तराखंड में नहीं बाहर भी लोग इतना ज्यादा प्यार एंड रिस्पेक्ट देते ना, लोग पैसे नहीं लेते यार। उन्होंने मैं एक सिंगल रूम के चार्ज भी दिया था बट फिर उन्होंने कि दोनों रूम ले लो, भगवान जी प्रणाम, भगवान सब अच्छे से करना राइट है ना। एंड फिर उन्होंने खाने खुने के पैसे भी नहीं लिए, बस हम उनके साथ बैठ करके रात को गप मार रहे थे। आई एम रियली हैप्पी कि आई हैव गॉट सच पीपल इन माय लाइफ यार। एंड यार आज ना पूरी बर्फ बर्फ शुरू हो गई है, इट्स ऑलरेडी लाइक 120। आज का सफर ऑलमोस्ट लाइक 170 किलोमीटर्स का होने वाला है बट ये प्योर हाईवे तो हम लोग ईजी कर लेंगे। तो यार जब आप काजा की तरफ आओगे ना आपको बहुत सारे ऐसे मिलिट्री हब मिलेंगे बिकॉज आपको पता ही है जो स्पीति वाला जो ऊपर एरिया है वो एक गांव पड़ता है, वो चाइना के बॉर्डर के पास है। कॉन्स्टेंट सिक्योरिटी चाहिए इधर से बिकॉज ये बहुत एक्सट्रीम जोन है ना। एंड हैट्स ऑफ टू अवर सोल्जर्स यार, जो इतनी ठंड में इतनी वेदर कंडीशन में यहाँ पर हमारे लिए सर्व कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी तो कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, लाइक हम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी रही कि हम लोगों को स्नो नहीं मिली। तो नॉर्मली ये एरिया ना पूरा फुल पैक्ड रहता है स्नो से, यहाँ गाड़ियाँ चलना भी मुश्किल हो जाती हैं। लुक एट दैट बॉयज, बर्फ बर्फ के पहाड़, प्योर बर्फ यार, प्योर बर्फ। ऊपर देख रहे हो भयंकर, मैंने इतनी पास से कभी इतने वाइट पहाड़ नहीं देखे। एंड अभी हम लोग इस एरिया से भी जाएंगे। मैं आप लोगों को बता रहा था अभी हम लोग जिस जगह पे हैं वहाँ पर रिवर सतलज और रिवर कावेरी का मिलन होता है। जस्ट चेक दैट आउट, ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप। एक्चुअली जो रिवर सतलज है वो ब्राउनिश लेक क्योंकि ये सिल्ट लेकर के आती है एंड वो वाली ब्लू लेक क्योंकि वो एकदम ग्लेशियर से आ रही है। फिलहाल अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से सीधे नीचे ना खाई है एंड मैं अभी एक रील बना रहा था मजाक मजाक में, मैं ऊपर चढ़ गया, वो तो शुक्र है मैं नीचे नहीं गया नहीं तो लग जाते। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील और सिनेमैटिक ले रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाओ जाकर के फॉलो कर लेना। तो यार वी आर लीविंग फ्रॉम हियर एंड इट वाज सच अ नाइस प्लेस यार। एंड चेक दैट आउट, पता है उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग में ना दो रिवर्स मिलती है, मेरे को रिवर्स के नाम नहीं पता, शायद एक ब्रह्मपुत्र है और दूसरी आई डोंट नो, दूसरी शायद गंगा है। कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना मेरे को कि उत्तराखंड में कौन सी रिवर्स है। एंड एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, मेरा जो ये वाला गोप्रो लगा हुआ था ना इसका एसडी कार्ड एरर आ गया। फक ब्रो, जितने भी सिनेमैटिक थे अब तक के वो सब फक्ड अप हो गया यार, मैंने इसको कॉपी क्यों नहीं करा। एंड अभी वाले गोप्रो को फॉर्मेट ही करना पड़ गया मेरे को, आई रियली डोंट नो गोप्रो के साथ ऐसे दिक्कत क्यों आ रही है। वो तो शुक्र है मैंने अब तक का पूरा डेटा कॉपी करा हुआ है, बट द थिंग वाज इस वाले गोप्रो में केवल सिनेमैटिक थे तो इतना ज्यादा बड़ा मसला था नहीं। अगर मेन वाला गोप्रो करप्ट हो जाता ना तो मेरे दिल में आ जाती बॉयज अभी तक। तो यार अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा हाइट पर
एंड अब हम लोगों को बर्फ बर्फ दिखना शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल टेम्परेचर यहाँ पर 5 डिग्री चल रहा है, बट धीरे 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 माइनस में चले जाएगा। आई गेस मेरी बाइक ना केवल पॉजिटिव ही दिखाती है, नेगेटिव नहीं दिखाती टेम्परेचर। एंड यहाँ पर ना बहुत तेज हवा चल रही है यार, बहुत ज्यादा तेज। वो हो, बहुत मजा आ रहा है इन रोडों पर चढ़ाने में। एंड ये वाली रोड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या हम लोग 150 टच कर पाएंगे यहाँ पर? गाइस आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, अभी हो गया था कांड। भाई साहब मैं आ रहा था पीछे से उड़ते हुए और मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर पूरा ब्लैक स्नो है। भाई 10 आवर ऑलमोस्ट गिरते गिरते बच गई मेरी, ऑलमोस्ट गाइस। एंड ये पहली ब्लैक स्नो मिली हम लोगों को यहाँ पर। विकास पीछे से आ रहा है, उसको बोलना पड़ेगा। भाई वो तो पता नहीं कैसे थम गई है, ये पूरी ब्लैक स्नो यार, पूरी की पूरी। ज्यादा लंबी नहीं है खैर, बट बहुत स्लिपरी हो रही है, मेरे पैर तो टिक भी नहीं रहे। सच्ची बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे बच गया मैं, नहीं तो अभी तक दांत टूटते मेरे। भाई वही तो, अचानक ब्लाइंड कॉर्नर पे ब्लैक स्नो यार। अगर कोई आ रहा होगा ना सीधा और नीचे फिसलते हुए नीचे भाई, अगर कोई स्पीड आ रहा होगा तो यार हमारा जो पहला स्टॉप होगा वो नाको होगा। वहां पर हम लोग लंच ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड अब आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले पहाड़ पे ना बर्फ भी दिखना शुरू हो चुकी है। एक्चुअली नीचे जो टेम्परेचर था ना वो 11 डिग्री था, हम लोग हाइट पाना शुरू हो गए तो अब यहाँ पर 8 डिग्री टेम्परेचर हो गया। और जैसे जैसे ब्लाइंड कॉर्नर्स आ रहे ना तो थोड़ा मुश्किल है, डरावना सा भी हो रहा है, बिकॉज ब्लाइंड कॉर्नर्स पे ना अभी भी स्नो जमी भी है। पीछे बस मैं मरते मरते बचाऊँ खाई में जाने से यार। एंड ये जो आप देख रहे हो ना ये तिब्बतन फ्लैग प्रेयर्स है, बेसिकली सेफ्टी एंड प्रेयर्स के लिए बांधा जाता है। एंड सही, हम लोग उस वाले पहाड़ पे नहीं जा रहे फिलहाल के लिए, बट आई गेस हम लोगों को आगे बर्फ मिलेगी मिलेगी। तो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं बर्फ वाले पहाड़ों पे, जो हम लोग नीचे से देख रहे थे ना वो वाले पहाड़ों पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड लुक एट दैट यार, क्या मस्त लग रहा है आगे वाला सीन। भाई साहब अब थोड़ा मुश्किल होने वाली है राइट, बिकॉज ये देख रहे हो जो कॉर्नर्स पे आइस, ये पूरी ब्लैक आइस हो चुकी है। एंड अब टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिर रहा है, बिकॉज अब हम लोग ना हाइट पे चल रहे हैं। सो यार ये मिला है मैं सबसे बड़ा टर्न ब्लैक आइस का, एंड ये बहुत ज्यादा लंबा टर्न है यार, आगे तक पूरी ब्लैक आइस जमी हुई है। एंड अब अच्छा है ना हम लोग साथ चल रहे हैं। भाई ये तो देख रहे हो कितना बड़ा ब्लैक आइस का पैच है। ओ भाई बस गिरे ना यहाँ पर। एक्चुअली ZX NR का जो पीछे वाला टायर है ना वो बहुत मोटा टायर है, तो इस वजह से ग्रिप थोड़ी सी अच्छी मिल रही है मेरे को। आगे वाला टायर इसका ना बहुत पतला टायर है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन है आगे से। एंड पता है जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो बेस्ट इज नॉर्मल बाइक को चलने दो। मैंने एक्चुअली अभी एक्को को ना फुल पावर मोड में डाल रखा है, एंड मुझे ऐसे लो पावर मोड पे कर देना चाहिए था, बिकॉज अगर मैंने एक्सीलेटर छोड़ा हुआ भी है ना तो भी ये 20-25 की स्पीड पर नॉर्मली चलती है। बट निकल ही गए हम लोग इस पैच से, ये जस्ट विंटर स्पीति की शुरुआत है, आगे जा करके तो और भी भयंकर सीन होने वाले हैं। एंड मेरे राइट वाला जो ग्लव था ना वो खो गया था, तो अब राइट वाले हाथ पे ना बिल्कुल सुन्न करने वाली ठंड लग रही है। वो तो शुक्र है अभी धूप बची है, एंड हम लोग आज थोड़ा टाइम से निकल गए, इस वजह से ज्यादा ठंड नहीं हो रही है। अगर रात को ऐसे पैचेस करने हो ना तो हालत खराब हो जाएगी यार हमारी। सो यार एक और स्लश से निकल रहे हैं अभी हम लोग, एंड यहाँ पर बर्फ भी है टर्न पे, बाइक स्केट ना करे बस। ओ भाई हाथ सुन होने लग गया यार, सच्ची बता रहा हूँ टेम्परेचर बहुत नीचे जा रहा है। मैंने ग्लव्स पहने हुए लेफ्ट हैंड हाथ में, तभी भी वो सुन हो रहे हैं। तो यार अभी हम लोग पहुँचने वाले नाको, और हमें मिले भव्या के दोस्त। हेलो भव्या के दोस्तों, बट यहाँ पर रोड बहुत ज्यादा खराब हो रखी है यार, एंड थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है एको के साथ, बट कर ही लेंगे। एक्चुअली पता है ऐसी रोडों पे दिक्कत क्या होती है, ये ना चढ़ाई पर है, एंड चढ़ाई पर थोड़ा सा इशू जाता है। एंड एको का बेस आपको वैसे ही पता है बहुत नीचे है, वो तो शुक्र है केवल रोडी वाला सीन है। अगर ऊपर नीचे वाली रोड होती ना तो फिर एको को चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। बट सामने वाला पहाड़ देखो यार, पूरा बर्फ हो रखा है, एंड यहाँ पर ना ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यार। एंड मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैंने 2 ग्लव पहने हुए ना उससे भी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। एंड अगर मैं वाइजर खोल रहा हूँ ना एकदम मुंह हाथ सब सुन्न हो जा रहे हैं, ओंठ मेरे सूखने लगे हैं। मैंने वैसलीन तो खरीदी है, अभी हम लोग नाको में रुकने वाले हैं लंच के लिए, फिर वहां पर मैं वैसलीन लगाऊंगा।
ओ भाई बाबू भैया, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ एको यार। लोग बोलते थे कि 10R पे ये जगह नहीं हो सकती, बाबू भैया ने ले लद्दाख भी 10R पे करा है और अब विंटर स्पीति भी 10R पे कर रहे हैं। एंड मेरा प्लान एक एडवेंचर खरीदने का भी हो रहा है, BMW 1250 या फिर टाइगर। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो गाइस व्हिच एडवेंचर सुपर बाइक शुड आई बाय, एंड सारे पैसे इस लोकेशन के और कितना सुंदर लग रहा है ना। तो यार कहाँ से जाते हुए ना आपको ये स्लश वाले रास्ते बहुत मिलेंगे, एंड अगर मैं उधर से लेकर के जाऊंगा ना तो फिर बाइक फॉर श्योर फिसलेगी। एंड ये बड़ा वाला पत्थर किसने डाल दिया बाबू भैया? यामा आराम से बस फिसलना नहीं है। एक्चुअली मैं अपना वाइजर बंद कर रहा हूँ ना तो पूरी फॉग जम जा रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एंड खोल रहा हूँ तो ठंडी हवा इतनी आ रही है कि सांस नहीं ली जा रही है। अब यहाँ से कैसे निकलेगी बॉयज, मेरे को ना राइट रखनी चाहिए थी। तो यार थोड़ा अब एक्सट्रीम रोड आ चुके हैं, लुक एट दिस भयंकर। अगर आप यहाँ से नीचे गए ना तो कोई मतलब ही नहीं है बचने का। एंड आगे ना शायद लैंडस्लाइड हुआ है एक पॉइंट पे, बिकॉज मैंने देखा था बहुत सारी मिट्टी उड़ रही थी। या बॉयज ऊपर से पत्थर पुत्थर गिरे यहाँ पर, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, यहाँ से ना पूरा पत्थर नीचे गया अभी। एंड आगे देखो क्या मस्त चीज़ लिखी हुई है, इन द लैंड ऑफ लामा डू नॉट बी गामा। एंड अब जा करके ना विंटर स्पीति एक्सट्रीम हो यार। एंड यहाँ पर मैं आपको बता ही रहा था 24/7 JCB चलते रहते हैं, बिकॉज यहाँ ना बहुत लैंड स्लाइड होता है। अगर एक बार पत्थर गिर गया तो फिर यहाँ रोड ब्लॉकेज हो जाती है। वैसे यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ चल नहीं रही है, बाइकर्स तो मुझे एक भी नहीं दिखा यार। हम दो बाइकर्स ही हैं जो आए हैं यहाँ पर फिलहाल। ओ भाई डू नॉट टेस्ट, गया था मैं भी। एको प्लीज होल्ड ऑन बेबी, प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन बेबी, थोड़ा सा संभाल लेना बेबी, प्लीज 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 प्लीज। इस साइड चले जाता हूँ यार, उस साइड जाऊंगा ना तो फिर गिर जाऊंगा। इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है यार, तो मुझे बहुत आराम आराम से चलानी पड़ रही है। एंड पता अब बॉडी भी टूटने लगी है, बिकॉज मैं आगे वाला हैंडल पकड़ पकड़ के थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। जो यार अभी विंटर्स पे थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है, तो अगर आप बाइक से आ रहे हो ना तो मेक श्योर आप फ्यूल लेकर के आना, बिकॉज रास्ते में अगर आपका फ्यूल खत्म हो गया ना तो फिर बहुत दिक्कत है। एंड अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ ने स्टीप डिक्लाइन है, एंड शुक्र यहाँ पर बर्फ़ नहीं है। अगर यहाँ पर बर्फ़ होती ना तो फॉर श्योर हम लोग फिसलते हुए जाते यार। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि वेदर दिखा रहा था कि इट विल बी स्नो फॉलिंग, बट नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती यार चलाने में हम लोगों को ना। तो यार वी हैव गॉट अनदर ब्लैक स्नो वाला बेल्ट। भाई इस कार वाले को इतनी दूर से सिग्नल कर रहा हूँ बट फिर भी नहीं रोक रहा है, नूबड़ा है ना बाहर का रखा है भयंकर। तो यार यहाँ पर भी रोड का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, एंड ये ना बिल्कुल खुरदुरी वाली मिट्टी हो रखी है रोड ना, इसे बहुत नीचे बस ये ऊपर ऊपर वाली मिट्टी जम रखी है। मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड से लेके आ रहा था बट शुक्र है मैं वहाँ से लेके नहीं आया क्योंकि वो पूरा ब्लॉक था एरिया। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हिमाचल वाली गाड़ियाँ ना वो इतनी सेंसेबल लोग हैं ना, वो अपनी गाड़ियाँ रोक रहे हैं। हम भी एक MP की गाड़ी गई यहाँ से और हम लोग ना ब्लैक आइस वाले सेक्शन में थे, मैं उसे हाई बीम भी दे रहा था रोकने के लिए कि भाई मतला, लेकिन उसको चूल्हो रखी थी भयंकर। फोर व्हीलर ना इतनी ज़्यादा नहीं फिसलती, बट टू व्हीलर का थोड़ा सा भी बैलेंस गया ना तो ये फिसलते हुए जाएगी। तो यार हम लोग ताबो क्रॉस करके नीचे आ चुके हैं, एंड हम लोग सुमदो पहुंचने वाले हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ मेरे हाथ ना बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, जिस हाथ पे मैंने ग्लव पहना था वो तो और भी भयंकर सुन्न हो रखा है, बिकॉज वो क्लच वाला हाथ है एंड उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। ब्रेक वाले हाथ में ना मूवमेंट है तो इट्स ऑल राइट। फिलहाल लुक एट दिस पॉइंट गाइस, वहां पर फाइनली हम लोग हाईवे में पहुंच चुके हैं एंड सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका है अब। एंड अभी भी पूरे माउंटेन्स में ना आपको बर्फ बर्फ दिखाई दे रही होगी, बट अब धूप जा चुकी है ऑलमोस्ट। सुमदो यहाँ से इट्स गोना बी लाइक 20 किलोमीटर, हार्डली लाइक आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। वो जो नीचे आप एरिया देख रहे हैं ना वहाँ पे मेरे को रोड तो दिखाई दे रही है, उस साइड धूप बची हुई है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ एको यार, एको ने इतने मुश्किल रास्तों में ना सब कुछ संभाल लिया। आई लव यू द मोस्ट, सच्ची बता रहा हूँ। जब से बाइक आई ना इस बाइक ने मेरी पूरी जिंदगी चेंज करी है, एंड इस बाइक ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। ले लद्दाख जाते हुए इसका रिम बेंड हो गया था, बट उसके बावजूद इसने पूरा ले लद्दाख का सर्किट कम्प्लीट करा। एंड अभी पीछे जो रोड थे ना वो ले लद्दाख से बहुत बुरे रोड थे, मुझे लग रहा था विंटर स्पीति विल बी लाइक बर्फ बर्फ, बट ये जो ऑफ रोड वाला सीन था ये बहुत ब्रूटल था। एंड सुबह मैंने ना केवल टोस्ट खाए थे, तो अभी हम लोग आगे रुकेंगे एंड शायद हम लोग काजा ना जाए, बिकॉज मैंने भी पीछे बात करी थी तो भैया
रहे थे कि 40-50 किलोमीटर तक पूरी आई से आप चलाते लोगे, बट फिर आपको बीच में वापस आना पड़ेगा बिकॉज बीच वाला एरिया ऐसे है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फटाफट बाइक पे बैठते हैं, सुमदो की तरफ चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग खाना खाने रुके थे, लुक वी हैव द ओनर ऑफ बाइक स्मार्ट नेपाल। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने हेलमेट लिया था इनकी शॉप से। एंड कस्तो नुंचा दाई, आई एम गुड, लव फ्रॉम नेपाल ऑलवेज। यार नेपाल से बहुत ज्यादा प्यार रहता है, अनएक्सपेक्टेड मीट था। फिलहाल ये लोग भी कास जा रहे हैं 2 दिन के लिए, हम लोग भी कास जाएंगे। एंड इस के अंदर ब्रो से ना, आप लोग भी नेपाल से? कस्तो नुंचा दाई, सब ठीक और नेपाल से हमारी पुरानी मोहब्बतें जुड़ी हुई है। एंड जब भी मेरे को नेपाल के लोग मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि भैया मिल जाएंगे। एंड जितने भी लोग नेपाल से देख रहे हैं, माया तिमले ढेरे माया करछु मी।